अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन में सब मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का करम उसामा साहब, बड़े तैयार हैं, कहीं जा रहे हैं लगता है आज आप। बस तैयार ही होते हैं सर, हार्ड टाइम। मैंने कहा कभी आपके हाल चाल भी पूछ लें, व्लॉग तो हम रोज ही करते हैं, प्रेडिक्शन आपसे रोज लेते हैं और माशाल्लाह आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त भी साबित हो रही है। हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें उसामा साहब, सवाल तो ये हमेशा तैयार है, ये आरजी दुनिया है या हार्डा ही है, इसको जो है ना पक्का ठिकाना। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, हमारा सवाल जो है वो डेफिनेटली पॉलिटिकल आपसे है और हम अभी आपसे प्रेडिक्शन भी लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक और सवाल कर लेते हैं पर्सनल आपके लिए। लोग आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद इस तरह के भी करते हैं कि नौजवान जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, चीजें इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपकी बातें सुनना भी चाहते हैं। इवन के यूके के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रक के अंदर व्लॉग लगा के आपके व्लॉग सुनते चले जाते हैं और आप उनके हम सफर हैं उनके रास्तों के। तो जो तनकीद करते हैं उनके लिए भी और जो प्यार करते हैं उनके लिए भी कोई छोटा सा मैसेज दे दें, फिर हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें जो ये हमेशा से होता है, जब भी कभी पाकिस्तानी हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इसमें इस तरह की जो प्रोफेशनल जेलसीज हैं वो जन्म लेती नहीं है, और वो मैं समझता हूँ छोटी अप्रोच को बताती हैं। इल्मी सतह पे तो खुश होना चाहिए, मतलब मैं अब जाती तौर पे कहूँ तो मैं अपने लिए क्या हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मैं इस पाकिस्तान की उसके लिए हूँ, और इससे अगर लाखों लोगों को सुन के फायदा होता है तो इन सब की प्रॉपर्टी हूँ मैं, और उसी ये इन्हीं का मान हूँ मैं, इन्हीं का गर्व हूँ मैं, इन्हीं के लिए अगर कोई मेरी उस पे चलता है, कोई सेहत याब हो रहा है या कोई अपने आगे आने वाले मसाइल को हल कर पा रहा है, या हम जो फोरकास्ट दे रहे हैं कब से इनको और वो वैसे ही होती चली जा रही हैं, तो इनके दिल को एक तशफी हासिल हो रही है इस जरिए से, जबकि आपको पता है कि कैसे नामौजू हालात में हमने ये सब शुरू किया उस वक्त जब इमरान खान की भी मुंह पे नहीं हो सकता था, उनके सदकात दिलवाए किए, सदका बलाओं को टालता है, टाइमली चीजें बताते गए, लोग अपने हिसाब से प्लान करते रहे और आगे भी अब हम कोशिश कर रहे हैं। और जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए देखिए, अब हमने इको मॉडल सिटी लेके एक इनको ग्रुप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, इसी तरीके से इनका एक एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो रही है दुनिया में। तवस्सुत किससे? आपके मेरे तवस्सुत से ये शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव तो हमेशा ही रहा, और जब आप कोई बड़े कॉज में होते हैं तो लाजमी शैतान जो है ना रेजिस्ट करता है, तो इसलिए बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आपको, बल्कि खुद भी मेरा पता है मैं जिस मिजाज का हामिल हूँ, मैं तो आप लोगों को कहता होता हूँ कि हर महीने प्रेडिक्शंस का एक चार्ट होना चाहिए ताकि लोगों को ये भी पता चल सके कि जी 10 तुक्कों में से कितने तुक्के ठीक हुए, चलो वो एक सीक्वेंस बने। तो मैं तो खुद इसका कायल हूँ। तो जो तनकीद करने वाले प्रोफेशनल जेलसी का शिकार है उनको चाहिए कि इसी सेम पैटर्न को फॉलो करें, 6-8 माह की मेरी क्लिप्स निकाल लें पुराने, 6-8 माह की अपने दे दें, लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बस क्या जरूरत है ऐसी चलने कूड़ने की। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, और आज हम लोगों से ये दरख्वास्त भी करेंगे और लोगों से ये जानना चाहेंगे कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उसामा साहब से आप कितना प्यार करते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं चाहने वाले जो कि आपके लिए बड़ी दुआएं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और इसमें कोई शुबा नहीं कि हमने बहुत ही मुश्किल वक्त में इस चैनल को शुरू किया था, आसिम सीरीज को, और उस वक्त शुरू किया था, लोग गवाह हैं। तनकीद करने वाले तो तनकीद करते रहेंगे कि हम डॉलर कमा रहे हैं, वॉट एवर जो भी है, डॉलर इतने नहीं आते, हमारे अपने दूसरे जराए आमदन बहुत हैं, उसामा साहब के भी और मेरे भी। हम सिर्फ और सिर्फ आवाम में आगही के लिए और अपना एक हमारे अंदर जो सहाफती जिसको कहते हैं कि सहाफती कीड़ा जिसको कहना चाहिए उसको जगाना रखते हैं और चाहते हैं, और हमने इलेक्शन के दिनों में भी कैंपेन चलाई कि अपना मनपसंद लोगों को वोट दें, और माशाल्लाह आपने रिजल्ट भी देखा, और हमने उस वक्त भी इमरान खान का नाम लिया जब नाम लेने पर पाबंदी थी। तो अगर किसी के अंदर इतना दम है जो हम पे तनकीद करते हैं तो इतने मुश्किल हालात में इमरान खान की तस्वीरें चलाना, इमरान खान का नाम लेना, उनके लिए वीलॉग करना, आप करके दिखा दें जो हम पे तनकीद करते हैं, तो फिर हम दूध का दूध पानी का पानी
हो जाएगा। लोगों से हम दरखास्त करेंगे कि नीचे कमेंट करके उसामा साहब से मोहब्बत का इजहार जरा करें। उसामा साहब, एक डेवलपमेंट है, आपने भी हमेशा बात की है कि खान साहब के लिए बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है और हम देख भी रहे हैं कि काफी अच्छा वक्त आ भी रहा है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद से काफी कुछ चेंज हो गया, तब्दील हो गया, उनके बहुत सारे रुकोश रहनुमा बाहर आना शुरू हो चुके हैं। रिसेंटली अभी डेवलपमेंट हुई, उनके सदर जो हैं परवेज इलाही साहब वो रिहा हो चुके हैं और अब एक सिलसिला बन रहा है। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि 1 से 1.5 महीने में खान साहब भी जेल से बाहर आ जाएंगे। पहले भी दावे किए हैं इस तरह के, खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं और उनको 2-3 केसेस, बड़े केसेस में जमानत हो चुकी है, 1-2 केसेस रह गए हैं। अगर अदालतें अपना काम सही से अंजाम देती हैं, मुनसिफाना फैसले करती हैं, तो खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो जाती तौर पे बैरिस्टर गौहर को तो खैर मैं नहीं समझता कि बैरिस्टर गौहर को इस मामले में कुछ पता है। इन लोगों को तो चाहिए था कि एक जमानते ही थी, कौन सा मतलब अल्लाह माफ करे, कोई सजाई कादा खत्म करा दो। तो ये तो सारी इनकी जो है ना बुकला की, मैं समझता हूँ कि जितनी भी कोशिश की है अब तक की, वो कोई थोड़ी सी उसमें कसर बाकी रही है। और इनको कोई नहीं पता पता कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। वो जब आना हुआ तो वो भी हमने ही बताना है कि आ गए हैं। और ये बेस्ट टाइम है, 3 जून से पहले पहले उनके फेवर्स का मैक्सिमम टाइम है। तो ये तो अपने दूसरे सिग्नल्स को देख रहे होते हैं, कुदरत के सिग्नल्स ये कह रहे हैं कि हर गुजरता दिन इमरान खान के लिए बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। जबकि 3 जून आ जाएगा, 3 जून से कहानी नए दौर में दाखिल हो रही है बिल्कुल एंटायरली। और ये आप लोग, हम लोग, हमारे सारे व्यूवर्स जो हैं, मिलके दुआ करें कि इसमें कोई बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इससे पहले 3 जून से पहले बहुत कुछ गलत होने के भी चांसेस। सेम टाइम पे एक जैसे कहते हैं ना कि फुल समंदर की जैसे मौजें आती हैं, वो इतना ऊपर नीचे मद्दो जजर जैसे होता है, उस टाइप का माहौल है। तो आइदर दिस वे और दैट वे दोनों ही चांसेस रहेंगे। तो इसलिए 3 जून तक जैसे कहते हैं अपनी दुआएं, चीजें, मामलात को तेज रखें। बाकी इमरान खान का देखें कि आपको याद ही होगा, आप ही के थंबनेल था हल सिर्फ इमरान खान अप्रैल के बाद। बिल्कुल, आपकी लाइन थी उसामा साहब, आपकी लाइन थी, हमारा थंबनेल नहीं था, आपने कहा था कि ये लिख दें, ये कल मैं दिखाऊंगा, ये काम आएगा आपके। और आपने जो कहा था, इधर हम आपसे एक सवाल भी ले लेते हैं, आपने जो कहा था कि हल सिर्फ इमरान खान, ये आपने बहुत पहले कहा था, आज से 2-3 महीने पहले, हमारे वीलॉग के ऊपर है, हमने पहले भी लिखा है और ये बात साबित भी हो चुकी है। आपकी बात, आपकी पेशन कोई दुरुस्त भी इसलिए है कि अब तमाम जमातें जो हैं वो इस बात को मान रही हैं कि इवन के अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक तंज कर दिया, आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं, जो कि निगरा वजीर आजम थे, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता, उन्होंने भी कहा कि फॉर्म 47 और 45 वाली हुकूमत है आपकी। तो इसका मतलब ये है कि वो भी कह रहे हैं कि जाली मैंडेट है। और अब तमाम लोग ये कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बहुत तनकीद करते थे खान साहब पे, वो भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई को उसका हक दिया जाए, पीटीआई को हुकूमत दे दें। तो हल तो सिर्फ इमरान खान ही नजर आ रहा है, आपकी ये पेशन कोई दुरुस्त साबित हो चुकी है? इसमें एक और ऐड कर लें सर, मेरी मुझे लग रहा है याददाश्त का मामला भी मुझे अपने पास ही रखना होगा। मैंने कहा था कि वो लोग भी मान जाएंगे जो नहीं मान रहे। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ने कहा है ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों को कि रियासत पीछे हट गई है एक कदम मुल्क के वसीतर मफाद में। बिल्कुल, इसको आप लोग कर लें जैसे करना है। इसका मतलब क्या ये नहीं बनता जो मैंने कहा था कि वो भी मान जाएंगे जो नहीं मान रहे, तो वो भी टाइम आ गया। और इस तरह की प्रेडिक्शन अगर मैं समझता हूँ, देखिए मजा आएगा, मतलब ये किसी की वो नहीं है, अजारादारी नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक देन है, इल्म, रब्बे जितनी इल्म हम उसी से ही मांगते हैं। और मैं समझता हूँ कि इल्म नूर, अल्लाह का नूर है ये, और मोमिन अपने इसी कहते हैं कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये आए, अगर हम 5, 8, 10, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तो है भी नहीं, कोई टॉप में कुछ, यही हम लोग 4, 5, 6 होंगे टॉप 5 पाकिस्तान के, तो उसमें आए, इल्मी काम करें, लोगों को मजा आए यार, उनकी जिंदगी, 26 करोड़ का मुल्क है, कौन सा फर्क पड़ता है, अच्छी से अच्छी लाएं, ऐसे नक्शे खींचे ना, ऐसे जुमलों के हिसाब से खींच के दें। मैंने जो जुमला कहता हूँ लोग तो कहते आप तज्जिये कर देते, तो लाए ना फिर अब कैसा तज्जिया था, चले यूं ही समझ लें कि ट्रांसलेशन कैसी थी,
उनको भी समझ आ जाए कि जिनको नहीं आ रही, तो अटॉर्नी जनरल का कल का बयान को बता रहे, ये लोग बता रहे कैसे ट्रांसलेट करना है उसको। तो बिल्कुल सही आगे बात भी खतरात अपनी जगह मौजूद है अभी, लेकिन चीजें बहुत तेजी से डिवेलप हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि जो बस, लेकिन हम एक फेज में है, मेरा दिल अमूमन कूटता है, इस बात पे दुखी हूं मैं जाती तौर पे भी, कि मेरा बड़ा दिल करता है कि कोई ऐसी खबरें हो मेरे पास अच्छी अच्छी और मैं बैठ के ना सारी अच्छी खबरें सुनाऊं, लेकिन क्या करूं। अभी ये जैसे ही आप लोग इस सब से निकलेंगे, इंडियन इलेक्शन हो चुका होगा, जी। तो फिर एक नई कहानी का आगाज हो चुका होगा, तो अच्छा बस उसामा ये सुन। साहब, एक सवाल आपसे हम इधर ले लेते हैं। हमारे लास्ट वीलॉग पे एक हमारे देखने वाले ने लिखा था कि आप सियासतदानों के ऊपर बड़े वीलॉग करते हैं, सियासत पे बहुत वीलॉग करते हैं। एक तो हमारी मुश्किल ये है कि हम अगर सियासत पे ना करें तो लोग कहते हैं जी इमरान खान पे वीलॉग करें। हम परेशान हो जाते हैं कि किस पे करें, क्योंकि किसी को भी खुश तो सबको नहीं रख सकते। लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात ये की थी कि आप सियासतदानों के बारे में तो पूछते रहते हैं, वो तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन कभी अवाम के बारे में भी पूछ रहे करें उसामा साहब से, कि अवाम का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में, अवाम के लिए भी कोई उम्मीद दिला दें, अवाम के लिए भी कोई अच्छी बात कर लें, अवाम के लिए कोई भी ऐसी बात कर लें। अवामी बात आप लोग कम करते हैं, उसामा साहब से अब आप अवाम के लिए पूछें। तो उसामा साहब, हमारे वो जो देखने वाले हैं कुछ जो चाहते हैं कि आप अवाम के बारे में कोई बात करें, तो आप पाकिस्तान की अवाम के बारे में क्या कहेंगे? आगे आपको हालात क्या नजर आ रहे हैं, और कुछ 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 उम्मीदें नजर हैं आपको, नजर आती हैं? देखिए, पाकिस्तान की अवाम से तो बस इतनी सी उम्मीद है कि ये खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत में, मैं समझता हूँ, सबसे आगे है ये नेशन, बिल्कुल और इसी वजह से शायद गजवा हिंद का सेहरा भी इसके साथ सजे। लेकिन अब इनको ये कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट जोन्स को नहीं ढूंढना, आगे अब इनको तैयारी करनी है, ताकि वो कहते हैं मुसीबत में आराम की तलाश मुसीबत को बढ़ा देती है। इस वक्त जो आगे आने वाला मंजरनामा है, उसमें तो आप लोगों को, हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की, और जिम्मेदारी लेनी चाहिए पूरी दुनिया की। क्योंकि देखिए, ये लोग कहने को पूरे साइंसदान है, ये बड़े मॉडर्न कंट्रीज और ये जितने भी, लेकिन इनको कोई अकल मौत नहीं है। ये ऐसे ही बिल्कुल लगता है कि ये बड़े भी चांद पे चले गए, तरक्की कर गए, ये वो। आपको चलो मैं यूं ही बताता हूँ, आप लोग आज मोबाइलों से यूं करके देख रहे हैं ना तस्वीरें, तो आज मेरे व्यूवर से सवाल है, ये जो कभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ अहले सुन्नत के, हाँ ये रिवाज है, वो यूं अंगूठों को अपने, जब नबी बिल्कुल पाक सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो यूं यूं चूमते चूमते हैं। हैं बिल्कुल। पूछिएगा वो चूमते क्यों है, इस ये जवाब है कि आप लोग कौन सी टेक्नोलॉजियों की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि इसमें दीदारे मुस्तफा हुआ था, दिखाया गया था अंगूठों में, ये इसलिए किया जाता है। तो बेशक ये टेक्नोलॉजियां इसी तरीके से, इनको तो ये नहीं पता अभी तक कि ये चिप से डाटा ट्रांसफर को तो समझते हैं कि 1 मिनट में यूएसबी लगी और 1 मिनट में ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये नहीं समझते कि जब हजरत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान लगाते हैं आखिरी, उसमें जब आप पर्दा फरमाने वाले होते हैं, तो फिर लोग पूछते हैं अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सी देर में क्या कहा, तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे तमाम खजान जो मालूमात थी, जो इल्म के जखीरे थे, वो फराम कर दिए। वो 1 मिनट वो नहीं समझ आता, एक बेचैन सी चीज जो इन्होंने बनाई है बेशक बेकार सी, बेशक वो इनको समझ आती है उसका डाटा ट्रांसफर होना, तो इनको भी बड़ी देर लग जाएगी। अभी तो हम जैसे कहते हैं उस अंडे के शेल से निकल रहे हैं, अभी निकले नहीं है, हमारा तालुम एज ए नेशन उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे हमें होना है, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आने वाली है बिल्कुल पाकिस्तान की, और पूरी दुनिया देखें इस तादाद में है, कई बिल्कुल फ्लैट्स एरियाज में है, कोई कैसे, हमारे पास डेजर्ट से लेके हर चीज है, तो इसलिए काफी हद तक हमारे पास चांसेस हैं कि अगले नामौजू हालात में इस कौम ने सरवाइव भी करना है। ठीक है, कुछ एटम बम्स हैं कुछ एरियाज में लगने के जो होंगे, लेकिन बाकी ओवरऑल एक बहुत बड़ी तादाद, तो मैं समझता हूँ ये कौम जो है अब तैयारी करे, ये अब जो बैठ के दिल तो सारों का ही कर रहा है ना कि अच्छा, लेकिन कोई एक दलील दे दें, इन्होंने बोया क्या है जो काटने का मुझसे पूछते हैं, सही ये बात है। बोया बता दें, बोया हुआ बता दें, दरख्त मैं बता दूंगा, बीज बता दें, दरख्त मैं बता दूंगा कितने अरसे में हो जाएगा, फोरकास्ट ही देनी है ना, लेकिन आप कहेंगे जी हमने बीज भी नहीं डाला हुआ और फिर आपको फोरकास्ट दे दूं मैं, बंदा तो दे ना, कोई चीज तो दे जिसकी फोरकास्ट चाहिए आपको, नेशन है तो नेशन
सिर्फ एक बात है, अगले साल 2025 के अप्रैल तक, जब तक ये यूरेनस अपनी पोजीशन इस पे है, ये कॉम अपना तगैयुर, तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, रैबलस एटीट्यूड कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल ठीक और है। इसमें मजीद शिद्दत आएगी, और ये पता नहीं हमें कितनी छलनी से गुजारेगा, और फिर देखें। बिल्कुल ठीक ओसामा साहब, बहुत ही जबरदस्त आपने बात कर दी और लोगों की तसल्ली और तशफी भी हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।